अस्सी बीस की नहीं लड़ाई है, यहाँ पर युवा जिधर रहेंगे वही जीतेगा। अच्छा, सत्ता बदला होना चाहिए। हम लोग बेरोजगार युवा हैं, देख लीजिए सब भाई बंधु हैं, सब हमारे सब दो दो तीन तीन साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई जॉब का कोई जरिया नहीं। हम तो इस सरकार से एकदम नहीं, जैसा रोजगार देगा वही हमारी पार्टी हो। खुश रहिए सर, इस सरकार से मतलब कुछ भी हो जाए बस रोजगार होना चाहिए। सरकार बदलना है, सरकार बदलना है, हमको सरकार से बदलना है, हमको रोजगार से। सरकार से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब। भर्ती भी नहीं क्लियर हो रही है, अपडेट वाला देख लीजिए, डेट वाला देख लीजिए, पेपर सब बच्चे कर लिए, आधे घंटे बाद पता लग रहा है पेपर लीक हो गया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचा हूं और यहां पे आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंच चुके हैं और यहां पे आज युवाओं का दर्द जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवाओं का काम है अगर सरकार को वोट दिए हैं तो सत्ता से सवाल पूछना और रोजगार मांगना इनका हक है। आज देखते हैं किस तरह से खुश है इस सरकार को लेकर या किस तरह से नहीं खुश है और क्यों। आज ये खुद अपने जुबान से ही अपनी दर्द बयां करेंगे। हाँ सर, पहले आप ही शुरुआत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र मिश्रा। भूपेंद्र मिश्रा, मिश्रा जी बताइए कि आप थोड़ा अपना दर्द बयां करिए कि आप इस सरकार को लेकर कितना खुश हैं। दर्द क्या बयां करें, ये बच्चे सब लोग इतना, हम भी दौड़ रहे हैं। अच्छा, आप कोच हैं? नहीं नहीं, कोच नहीं है। हम भी मतलब इनसे समझ लीजिए सीनियर हैं। अच्छा, दौड़ते दौड़ते समझ लीजिए कि इतना थक क्या, एकदम समझ लीजिए बुढ़ौती का नौबत आ गया है, जैसे बोलते हैं 40 साल वो नौबत आ गया है। अच्छा, ना सरकार से क्या, सरकार में समझ लीजिए न भर्ती कोई निकल रही साफ सुथरी, न कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं निकल रहा है कि नहीं कुछ बच्चे रोजगार करें। अभी बता रहे हैं कि ये सरकार कर रही है कि 80-20 की लड़ाई है और 80% लोग हमारे पक्ष में हैं, और बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 80-20 की नहीं लड़ाई है, यहाँ पर युवा जिधर रहेंगे वही जीतेगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े भैया बता रहे हैं कि युवाओं का रुख जिसके तरफ होगा सत्ता उन्हीं के हाथों में जाएगा। फिलहाल यहाँ पे परेशान है, भर्तियाँ नहीं निकाली जाती हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करते हैं। कब का भर्ती आया है? 2019 के बाद अभी तक आया है? 2018 का आया है, मतलब 4 साल होने को है, 4 साल से भी भर्तियाँ नहीं आई हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि अगर योगी जी के पहले, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, योगी जी के पहले जब सरकार थी, किस सरकार में भर्तियाँ का प्रोसेस क्या है, कैसे आना चाहिए भर्तियों को? पहले तो 6-6 महीने पर आती थी। पहले भर्ती 6-6 महीने पर आती थी। क्या नाम है भैया आपका? सूरज यादव। ये बता रहे कि भर्ती 6-6 महीने पर आती थी, लेकिन इस बार जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से भर्तियाँ जो है रोक लगा दी गई हैं। ये बताइए कि कितने दिन से इस ग्राउंड पर तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से। अब यहाँ क्या नाम है आपका? किशन यादव सर। क्या नाम, क्या चीज़, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम लोग फौज की तैयारी करते हैं सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को मैं यही कहना चाहेंगे कि सत्ता बदला होना चाहिए। हम लोग बेरोजगार युवा हैं, देख लीजिए सब भाई बंधु हैं, सब हमारे सब दो दो तीन तीन साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई जॉब का कोई जरिया नहीं। तीन तीन चार चार साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी ग्राउंड पर, कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। युवा नाराज हैं। और सुनिए, आइए और युवाओं का दर्द देखते हैं कि क्या। भैया क्या नाम है आपका? अंकुर यादव। भैया बताइए कि सरकार को लेकर क्या खुश है, कौन सरकार आएगी तो आप लोग के लिए बेहतर काम करेगी? हम तो इस सरकार से एकदम नहीं। आप सरकार से मतलब, सरकार अगर भर्ती, आप ये बताइए कि आप यादव है ना, तो बताइए कि आप यादव की सरकार? जरूरी नहीं, हम यादव है तो जरूरी नहीं कि हमारी पार्टी अच्छा रोजगार देगा वही हमारी पार्टी हो। मतलब आप, मतलब ये युवा कह रहे हैं, दौड़ने वाले बच्चे हैं, आर्मी की तैयारी करते करते इन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार से किसी की भी बने हमें सिर्फ रोजगार से मतलब है। जो रोजगार देगा सर उसी को ने सरकार बनाएगा। दिनेश यादव, भैया जी आप भी बताइए कुछ सरकार के बारे में, क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार बेहतर होगी? जो सर युवाओं को समझे, जो युवाओं का सोचे उसके। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश भैया बता रहे हैं कि सरकार वही बेहतर है जो युवाओं के बारे में सोचे।
फिलहाल ये जो सरकार बनी है इस सरकार से कितना खुश है, किसके किसके कामकाज से कितना खुश है? खुश रहेंगे सर इस सरकार से, मतलब कुछ भी हो जाए बस रोजगार होना चाहिए, सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। किस चीज की तैयारी करते हैं क्या नाम है आपका? आइए बाकी लोग से बात करें। हाँ भैया क्या नाम है? मनीष पांडे। पांडे जी बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनवाएंगे? हमको सरकार से मतलब हमको रोजगार से। सरकार से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब मतलब है। अभी देखिए लोग कह रहे हैं कि यादव जी जो हैं वे सपा समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पांडे जी भी कह रहे हैं कि भैया हम इस सरकार से खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। बताइए कि अगर इस किसकी सरकार बने तो बेहतर तरीके से काम हो? सरकार से मतलब हमने बोला ना रोजगार चाहिए, चाहे जो भी सरकार बने, चाहे सपा बने चाहे भाजपा बने, हम लोगों को रोजगार दे। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो अगर रोजगार देंगे तो वो आए सत्ता में। अच्छा अब क्या नाम है आपका? सूरज यादव। भैया जी बताइए कि इस बार सब परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? परिवर्तन होगा। अब यह क्या नाम है आपका? पुष्पराज तिवारी। तिवारी जी बताइए कि किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? आर्मी की। यहाँ पे जितने लोग हैं सब आर्मी की तैयारी करते हैं? नहीं सब उसी में आर्मी, आर्मी की एसएससी सब, मतलब लोग डिफेंस की तैयारी करने वाले यहाँ से आर्मी। लेकिन ये बताइए कि अगर आर्मी की भर्ती नहीं आ रही तो मतलब आप घर वाले क्या कर रहे होंगे कि भैया आप तो तुम भर्ती तो आ नहीं रही है, आप तुमको दूसरा काम करो या मत पढ़ो? नहीं घर से तो प्रेशर नहीं, भर्ती नहीं आ रही तो घर वाले तो समझ ही रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं, लेकिन सरकार को तो सुनना चाहिए। सरकार नहीं सुन रही है, घर वाले तो प्रेशर नहीं दे रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, सरकार अपने मुद्दे पर जो है कि खड़ा नहीं उतर रही है। फिलहाल मैं कच्चा बाबा इंटर कॉलेज पे पहुंचा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं काफी युवा हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, कॉलेज के ग्राउंड पहुंचे हैं, यहां पे बच्चे दौड़ते दौड़ते थक गए लेकिन सरकार में भर्ती नहीं आई है, ये सरकार से नाराज है, इसलिए नाराज है कि इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार किसी की बनेगी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको पड़ता है तो रोजगार से। अब फिलहाल देखते हैं कि योगी जी और मोदी जी रोजगार के क्षेत्र में क्या कर किए हैं। फिलहाल अभी तक तो ये बच्चे नाराज हैं तो जाहिर सी बात है नहीं किए हैं, जो बच्चे दो दो साल तीन तीन साल चार चार साल भर्तियां आई हुई हो गई, अभी तक कोई भी वैकेंसी अगर नहीं निकाली जा रही तो इनकी उम्र भी बढ़ जा रही है, काफ़ी परेशान है और घर से भी परेशान है। भैया यहाँ किसकी उम्र जो है कि तैयारी करते वक्त निकल गई है और सारे लोग आपकी उम्र खत्म हो गई है, तो बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए इनकी उम्र भैया की निकल गई है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके भी रेस भी निकाले हैं। हम उसमें 30 साल के हो गए हैं, हमारी उम्र तो खत्म हो गई है, कोई रोजगार संभावना नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बनाएंगे कि रोजगार जाइए बाहर कमाइए। देखिए ए भाई साहब इतना दौड़े कि थक गए लेकिन भर्तियां नहीं आई, अब घर वाले प्रेशर बना रहे हैं। आप बताइए कि सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से सवाल अगर इन करते हैं तो इनको बुरा लगता है सत्ताधारियों को, आप बताइए कि इनका उद्धार कौन करेगा? घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि कमाने के लिए आप बाहर जाइए। फिलहाल मैं यहाँ ग्राउंड पहुंचा हूँ, यहाँ पर युवाओं का दर्द जानने का प्रयास किए हैं, युवा बता रहे हैं कि हम इस सरकार से खुश नहीं है, किसी भी सरकार हो हमें नौकरी की जरूरत है। अब ये देखना है कि योगी जी तो अब तो चुनाव नज़दीक आ चुका है, 2022 का विधानसभा चुनाव, अब देखते हैं कि चुनाव के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है। फिलहाल 2024 तक उनकी हुकूमत है, रोजगार के लिए बच्चे परेशान हैं, सरकार किसी भी तरह से ग्रुप डी का डबल पेपर होने लगा, बताइए ग्रुप डी का डबल पेपर होने लगा, अब ये बताइए कौन सा आपका ग्रुप डी? बहुत बड़ा रोजगार है नौकरी, आईएएस पीसीएस का है। अच्छा ग्रुप डी का जो एनटीपीसी का मैटर है, एनटीपीसी छोड़िए ग्रुप डी का, अच्छा ग्रुप डी का दसवीं पास है, दसवीं पास फॉर्म भरा है, पास अच्छा क्या बोले भैया? दसवीं का है उसका दो दो एग्जाम करा रहे हैं सब, ये आईएएस पीसीएस का है एग्जाम, क्या पता ये क्यों करा रहे हैं आप? आपका कुछ मतलब राय अपना देना चाहेंगे इस पे? अरे वो जबरदस्ती सत्ता में है, जबरदस्ती है अपना अथवा कर रहे हैं, कह रहा है कि ग्रुप डी में, ग्रुप डी में अच्छा पहले पेपर हुआ करता था, तो आप इस बार जब ग्रुप डी का पेपर दिया गया तो उसमें बताया गया दिया नहीं गया अभी हो रहा है? हाँ बताइए, ग्रुप डी जब फॉर्म निकला था तो एक पेपर के लिए निकला था, ठीक अच्छा पेपर एग्जाम आ गए एक महीने के लिए, उसका नोटिफिकेशन अब दो पेपर होगा। अच्छा अभी जो फॉर्म भरते वक्त ग्रुप बच्चे मारे गए हैं, नेगेटिव चार्ज हुआ है, वो इसीलिए हुआ था ग्रुप डी के पेपर के लिए।
ग्रुप डी का जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें युवाओं से कहा गया था, जो भी अभ्यर्थी थे उनसे कहा गया था कि एक पेपर होगा, लेकिन अब एक महीने पहले नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि अब दो पेपर होगा। अब बताइए कि ग्रुप डी जैसे पेपरों में आप डबल पेपर कराने लगी है सरकार। पहले पेपर जो एग्जाम, अरे पहले फॉर्म भरा जाता था, पहले वो 50 रुपये में भरा जाता था। अच्छा, ठीक, ग्रुप डी का। अच्छा, और अन्य अब हो गया है 500-600 रुपया लग रहा है। वो सरकार पहले कर रहा था कि खाते में आएगा आपका 400 रुपये, वो भी नहीं आ रहा है, पूरा भी फाइनल भी नहीं हो पा रहा है पेपर। पहले जो है कि फॉर्म भरा जाता था तो 60 रुपये लगता था, भाई साहब बता रहे हैं 60 रुपये लगता था, आज 500 लगता है। उनमें भी रिटर्न करने की बात आती है तो वे रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद पैसा लाएंगे कहाँ से? बच्चे पैसा लाएंगे आज किसान के, जो आज बेरोजगार है कहाँ से फॉर्म भरेंगे, कहाँ से इतना पैसा लगाएंगे? 600 रुपया लग रहा है, कहाँ से फॉर्म भरेंगे? दस भर्ती यार, भर्ती भी नहीं क्लियर हो रही है, भर्ती भी नहीं। देख लीजिए, डेट वाला देख लीजिए, पेपर सब बच्चे कर लिए, आधे घंटे बाद पता लग रहा है पेपर लीक हो गया। बताओ वो सब बेरोजगार युवा कहाँ जाए? दस तो आया, अब बताइए कि 10 फार्म भरने में कितना पैसा लगेगा? 5,000-6,000 रुपये लग जाएगा, 6,000 कहाँ से आएगा? बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि अगर फॉर्म आता है, अगर हम नौकरी की अप्लाई करने के लिए फॉर्म जब भरते हैं तो 5-5, 6-6 फार्म भरा जाता है ताकि किसी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, ऐसा बोल रहे हैं, और जो निकाले वो लीक हो जा रहा है। अब बताइए कि युवाओं का दर्द कैसे सरकार रोजगार देकर समाप्त करेगी? अब सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। सरकार के बारे में आप लोगों से ज़्यादा हम तो नहीं जान रहे हैं, हम लोग तो इधर ही ठहर रहे हैं, पर आप लोग खुद ठहर रहे हैं, आप लोग को खुद उठाना चाहिए सरकार के बारे में आवाज़ अपने माध्यम से, अपने देखते हुए। युवा इतना परेशान है कि कह रहा है कि आप मीडिया वालों को कह रहे हैं कि मीडिया वाले खुद हमारी आवाज़ अपने माध्यम से उठाएं। फिलहाल मैं तो आवाज़ उठा रहा हूं, अब ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में की भर्तियां कब आती हैं। अब फिलहाल सरकार को सोचना चाहिए कि जिनकी उम्र बीत गई है, जिनका उनके बारे में क्या करती है, ये तो सरकार ही तय करेगी, लेकिन बच्चे जो है कि इस समय इस सरकार से नाखुश हैं। नमस्कार, धन्यवाद।